बच्चे जैसे ही एग्ज़ाम्स का टाइम साथ पास आता है तो उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर नेचुरली बढ़ जाता है, इसकी वजह से उनके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेस में सबसे बड़ा जो लक्षण होता है वो होता है चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, बात बात पर बहस करना पेरेंट्स के साथ, खाने की आदतों में बदलाव। यदि इस तरह के कोई लक्षण देखे जाते हैं तो आपका बच्चा स्ट्रेस में है। इस स्ट्रेस से बच्चे को बचाने के लिए आप उस पर एग्ज़ाम्स का प्रेशर बिल्कुल मत डालिए, स्पेशली हाई मार्क्स लाने का, ज़्यादा नंबर लाने का प्रेशर बिल्कुल मत डालिए। यदि आप ऐसा ना करके उसका हौसला बढ़ाएंगे कि बेटा जो आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो, तो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चे का स्ट्रेस भी रिड्यूस कर पाओगे और आपका बच्चा आपके अनुसार जो आप टारगेट चाहते हैं वो अचीव भी बड़े आराम से कर लेगा। यदि आपके बच्चे में स्ट्रेस के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो मैं आपको योग के कुछ तरीके बताना चाहता हूँ, जिसको यदि आप बच्चे करेंगे तो अपने आप ही नेचुरली स्ट्रेस लेवल को डाउन कर लेंगे। पहला है योग में ध्यान और ज्ञान मुद्रा, इससे आपके बच्चे का स्ट्रेस लेवल बहुत नॉर्मल रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरा हमारी पृथ्वी मुद्रा, इसका अभ्यास करने से बच्चों में नियंत्रण पैदा होगा और संयम पैदा होगा, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस से अपने आप ही जूझ कर उसको ख़त्म कर देंगे। तीसरा तीन प्राणायाम का अभ्यास, पहला शीतली प्राणायाम, दांत से सांस भरिए, दांत से छोड़िए। यदि बच्चे इसको करेंगे 15 से 20 बार, और 15 से 20 बार यदि भ्रामरी कर लेंगे कान बंद करके नाक से सांस भर के इस तरह से, दो प्राणायाम का अभ्यास कराइए, और ताड़ासन, पूरा अपने आप बॉडी को खींचा के एक बार मेंटल और बॉडी स्ट्रेस खत्म कर लेंगे, और एक सर्वांगासन, सर्वांगासन का अभ्यास कीजिए। यदि आप इन सब योगी क्रियाओं का अभ्यास बच्चों को करवाते हैं प्रतिदिन, तो आप देखेंगे कि बच्चे का स्ट्रेस लेवल तो पैदा ही नहीं हो रहा, अपने आप ही स्ट्रेस खत्म कर रहा है और बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, योग करते हैं और देखते हैं हम उनके अंदर कि एग्जाम फोबिया जैसी कोई चीज़ है ही नहीं उनके अंदर, और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो उनको याद तो सब कुछ होता है लेकिन एग्जाम देने के लिए जब बैठते हैं तब वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो सारा हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। जो हार्मोन्स नाभि से पैदा होकर हमारे मस्तिष्क तक जाते हैं और जो हमें रिलैक्स रखते हैं, बच्चों में एक्टिविटी की कमी होने के कारण वो हार्मोन्स नाभि से सिर की तरफ नहीं जा पाते, जिसकी वजह से बच्चे अपनी स्ट्रेस से लड़ नहीं पाते। और क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि बच्चों के पास खेलने का समय ही नहीं है, जिसकी वजह से उनके हार्मोनल जो चेंजेस होने चाहिए मेंटल रिलैक्सेशन के लिए वो उनको नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से आज वो मेंटली बीमार हैं।